अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक पिक्टोग्राफ दिया गया है और उसके रिलेटेड में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है आपके बुक में। ठीक है, सबसे पहले पिक्टोग्राफ को रीड करना सीखना बहुत जरूरी है। पिक्टोग्राफ को रीड करने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर में दिया गया है, जो इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या है, विलेज है, इसका मतलब विलेज ए है, विलेज बी है, विलेज सी है, विलेज डी है, विलेज ई है, और एक ट्रैक्टर इक्वल टू दिया गया है, मतलब ये जो इमेज है ये ट्रैक्टर का इमेज है और एक इमेज एक ट्रैक्टर से ही कंपेयर किया गया है। ठीक है, मतलब एक इमेज इक्वल टू वन ट्रैक्टर, तो उसके हिसाब से अगर विलेज वन देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर कितना है, विलेज वन का एक, विलेज एक में कितना ट्रैक्टर है, विलेज ए में आपका ट्रैक्टर है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर 1 2 3 4 5 6, कितना ट्रैक्टर है, 6 ट्रैक्टर है। विलेज बी में कितना ट्रैक्टर है, 1 2 3 4 5 है। विलेज सी में कितना ट्रैक्टर है, विलेज सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8। विलेज डी में कितना ट्रैक्टर है, 1 2 एंड 3। और विलेज ई में कितना ट्रैक्टर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको इसलिए लिख लेने के लिए मैंने लिखा है ताकि यहाँ क्वेश्चन का आंसर देने में सुविधा हो हम लोगों को, है ना। तो पहला क्वेश्चन बोला गया, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मतलब सबसे कम ट्रैक्टर कौन सा विलेज में है। तो देखिए ए में 6 है, 5, बी में 5 है, सी में 8 है, डी में 3 है और ई में 6 है। तो यहाँ इमेज भी आप देखेंगे तो सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ से नजर आ रहा है आप लोगों को, डी में। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसको आप पूरी तरह से लिखेंगे, विलेज डी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो आप इमेज देखिए, इमेज सी को देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है और यहाँ पे कितना ट्रैक्टर है, विलेज सी में 8 है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर है, पहला वाला कितना था, मिनिमम नंबर जो था कितना नंबर था, 3 था। और उसके बाद में सबसे ज्यादा सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। और कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर इसके पास है, 8 ट्रैक्टर इसके पास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी एज कंपेयर टू विलेज ई। अगर विलेज सी और विलेज बी को अगर बराबर करना है तो विलेज बी में कितना ट्रैक्टर और रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, विलेज सी जो है उसके पास 8 है और विलेज बी के पास कितना है, 5 है। ठीक है, तो दोनों को अगर बराबर करना है तो एक काम करिए, आप 8 से 5 को माइनस करिए तो कितना आया, 3 आया। मतलब बी में हम 3 ट्रैक्टर और ऐड करेंगे तब जाके ये दोनों नंबर इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। कहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना होगा, 3 मोर ट्रैक्टर रिक्वायर्ड टू कॉम्पेयर सी एंड बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज। ये सारा विलेज का जो है इसको आप टोटल कर दीजिए, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 6 5 11 11 और 8, आपका 19 19 और 3 22 22 और 6, आपका 28। फिर से एक बार देख लीजिए, 6 5 11 11 और 8 19 19 और 3 22 22 और 6 28। तो दैट मीन्स नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला का आंसर 28 होगा। क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 विलेज इज 28, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर।